कार दोस्तों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेकी दिनेश में। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आइए सीखिए म्यूचुअल फंड जर्नी का दूसरा वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे केवाईसी, सीकेवाईसी और ईकेवाईसी के बारे में। तो दोस्तों, केवाईसी से आप समझ ही गए होंगे कि नो योर कस्टमर, जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस होता है उसको आपके आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। तो जो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने 1 जनवरी 2012 से ये लागू कर दिया। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड हाउसेज में करते हैं तो सबसे पहले आपको केवाईसी कंप्लाइंट होना पड़ेगा। तो केवाईसी कंप्लाइंट अगर आप नहीं होंगे तो जो आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे वो ट्रांजैक्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको 5 केवाईसी रेटिंग एजेंसी मिलती है, जिनका मैं आपको नाम बता दूँ, CVL, NSDL, NSC, कारवी, कैम्स। यहाँ पे आप अपना केवाईसी स्टेटस जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तीनों मेथड्स के बारे में बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आपको उनको प्रोसेस कैसे करना है वो भी बताऊँगा अपने लाइव डेमो पे। तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं केवाईसी जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये आपका केवाईसी फॉर्म होता है जो आपको सबमिट करना पड़ता है। आप इसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या किसी भी AMC के पास या कैम्स के ऑफिस में जाके सबमिट कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे, अगर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है खुद से, तो KYC लिखिए, KYC म्यूचुअल फंड फॉर्म लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो मैंने ये लिस्ट लिंक पे दिखा रखा है, ये मेरे पास ये है, नो योर क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपकी जो बेसिक डिटेल होगी आपको भरनी है, सब कुछ है अपना, जो KYC डिटेल सारी भर के, अपना पैन नंबर देकर, अब एक आपको फ़ोटो चाहिए होती है अपनी, और इसमें आपको जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होते हैं वो इनमें से आपके फॉलो होते हैं। एक आप या तो आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड यूज़ सकते हैं, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, या तो अपना आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या तो अपना नरेगा जॉब कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या कोई अदर डॉक्यूमेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। और जो इसमें आपका जो प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उनमें भी आप, ये पासपोर्ट नंबर रहेगा, वोटर आईडी कार्ड रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, और नरेगा जॉब कार्ड रहेगा, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है। तो दोस्तों, ये बेसिक फॉर्म है, इसको आप कंप्लीट कर देंगे, इसको आप सेल्फ अटेस्ट कर देंगे, उसके बाद आप इसे अपने चाहे जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप करवा रहे हैं उसको सबमिट कर दीजिए, या तो जैसे जो AMC बॉडी के पास आप जाके करवा रहे हैं या आप उनको सबमिट कर दीजिए, या आप किसी भी कैम्स के ऑफिस में जाके ये सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो था पहला प्रोसेस जो नॉर्मल KYC रहता है। तो दोस्तों, अब हम हमारा दूसरा मेथड जो है CKYC वो डिस्कस करेंगे। तो CKYC क्या होता है, सेंट्रल KYC। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला इसके ऊपर, और 1 फरवरी 2017 से इसको लागू कर दिया गया। इससे हमें दोस्तों ये बेनिफिट मिलता है कि हम जो CKYC है ये अक्रॉस ऑल द फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म इसका यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली और वहाँ पे आपने ये CKYC ये फॉर्म अपना फिलअप करके उनको दे दिया। इससे क्या होएगा कि दोस्तों, अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कभी आप अपना कोई भी बैंक अकाउंट अपना खुलवाना चाहते हैं, तो एक जो CKYC अगर आपका पहले ही हुआ रखा होगा तो आपको आपके पास एक किन नंबर होगा 14 डिजिट का, जिसको आप जब अपना फॉर्म भरेंगे उसमें यूज़ करने के बाद आपको फिर से अपनी KYC को सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा। इसका बेनिफिट आपको ये रहता है। तो CKYC क्या करता है, सबसे पहले आपकी जो आपकी डिटेल है उसको सेव करता है, और जो एक इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सरसी है जो इसको मेंटेन करके रखती है। तो CKYC आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है एक सर्वर पे, ताकि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो वहाँ से आपका ये डाटा रिट्रीव कर सकें। तो दोस्तों, जब आपका CKYC फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा तो एक आपको 14 डिजिट का किन नंबर आ जाएगा। किन नंबर बेसिकली KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये फॉर्म भरने के बाद आप इसे किसी भी AMC या कैम्स के ऑफिस में सबमिट करवा देंगे, और ये फॉर्म आपका 3 से 5 बिजनेस डे में वो फॉर्म को आगे प्रोसेस कर देंगे, जिससे कि आपका एक किन नंबर जनरेट हो जाएगा अगर आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाता है सक्सेसफुली। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो ये चीज़ आपको अपने या डिस्ट्रीब्यूटर या जिसका AMC जो है, या तो कैम्स के थ्रू वहाँ से आपको पता करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको ऑनलाइन चेक करने का कोई भी तरीका है नहीं।
तो जैसे कि दोस्तों मैंने भी अपना जो है मेरा भी सेंट्रल जो KYC वो हो रखा है पहले, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कारवी KRA है, इसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो फॉर्म ये जो यहाँ पे ओपन है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना पैन नंबर यहाँ एंटर करूँगा और मैं अपना CKYC स्टेटस जानूँगा यहाँ से। तो जल्दी जल्दी से मैं अपना एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। ये बिलो करेक्टर ये जो नीचे दे रखे हैं करेक्टर अभी चेंज हो गए, तो मैं इनको यहाँ से भर के जल्दी जल्दी से आपको दिखा दूँ अपना CKYC स्टेटस। तो सर्च करेंगे, तो सर्च हो रहा है जब तक। तो देखिए ये मेरी CKYC ID है, ये देख लीजिए 14 डिजिट की। तो मैं इसका यूज़ करके कहीं भी अगर मुझे जैसे पोच कर लीजिए मुझे कोई इंश्योरेंस ख़रीदनी है अभी जाके, तो मुझे वहाँ पे ये जब KYC करेंगे तो मैं ये अपना ये CKYC जो पिन नंबर होता है वहाँ भर दूंगा 14 डिजिट का, और इसके एक्नॉलेजमेंट के थ्रू वो उनको मैं मुझे अपनी KYC फिर से उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से आप जान सकते हैं अपना जो CKYC स्टेटस है। तो दोस्तों अब हम अपना तीसरा मेथड के बारे में जानेंगे जो है EKYC। सो दोस्तों EKYC एक पेपरलेस आधार बेस्ड KYC प्रोसेस है, जिसमें कि आपको क्या चाहिए, आपको आधार चाहिए अपना, आपका पैन नंबर चाहिए, आपका अपना मोबाइल ईमेल आईडी चाहिए, जो और जो बेसिक डिटेल होती है आपकी पर्सनल डिटेल। तो इन इनके साथ इनका होने से आप अपना जो EKYC ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बता रखा है, ये मैंने कैम्स का वेबसाइट खोल रखा है, हाउ डज कैम्स EKYC वर्क एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो जो इन्होंने बता रखा है जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो सबसे पहले मैंने बताया उसमें कि आपको आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, पर्सनल वेरिफिकेशन चाहिए, तो इसमें देखिए आधार EKYC के थ्रू आपको ये कुछ भी नहीं चाहिए। एक बेसिकली एक OTP बेस्ड प्रोसेस है ये, जैसे कि आपका जो। तो दोस्तों EKYC में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो सेबी रेगुलेटरी बॉडी है उसने इसमें जो ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है रिस्ट्रिक्ट कर रखी है आपको 50,000 पर एनम पर म्यूचुअल फंड। तो अगर आपको इससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो जो आपको अगर रिस्ट्रिक्शन हटानी है तो इसके लिए आपको इन पर्सनल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, या तो आपको बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन, या आप किसी भी ये POA के पास जाके या आप कैम्स के पास जाके इसको करवा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि आप EKYC कैसे करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए दोस्तों कैम्स EKYC। तो आप जाइए अपना ये लिंक खोलिए। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप जो अपना EKYC को रजिस्टर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कैम्स EKYC लिखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा, सर्च करिए, आपको देखिए फर्स्ट लिंक आ गया, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, तो ये आपको रीडायरेक्ट करके ले गया वेबसाइट पे, कैम्स की वेबसाइट में। तो ये बता रहे हैं कि बस 2 मिनट में आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू कैम्स EKYC। तो देखिए अगर आपको यहाँ कंप्लीट करना है तो यहाँ पे एज इन्वेस्टर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो बेसिक डिटेल जो ये मांगता है आपसे। तो देखिए इस तरह 1 मिनट ये पेज ओपन हो रहा है, ये पेज लोड हो गया। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों जो EKYC अगर आपको वेरीफाई कराना है तो आपको ये 5 बेसिक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जो पहला स्टेप है इस पर आपको बेसिक डिटेल भरनी है अपनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भर रखा है अपना टाइम बचाने के लिए। तो ये मेरी ईमेल आईडी, मैंने इसको सबमिट करा तो मेरे पास ये ऑप्शन है, मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मेरा पैन नंबर क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा पेमेंट मोड क्या रहेगा, मेरा जो बैंक है मेरा मोड ऑफ होल्डिंग क्या है, और मेरा टैक्स स्टेटस क्या है। जब मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया था तो यहाँ पे मेरे पास एक OTP मांगा था पहले मुझसे, मेरा OTP आया था मेरे फ़ोन पे, रजिस्टर्ड फ़ोन पे। उसके बाद ही जो मेरा दूसरा स्टेप मेरे पास फॉलो हुआ, ये देखिए देखिए जैसे कि अभी मेरे फ़ोन पे अभी आएगा एक, जो मेरा पुराना है मैं उसको यूज़ करके देखता हूँ, शायद नहीं मेरे पास एक नया आ गया, अभी वेरीफाई करता हूँ। देखिए मेरा ये पहले ही बता रहा है कि जो कि KYC कंप्लाइंस है, ओके है, OTP वैलिडेटेड है, इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो EKYC के थ्रू है। जो इसमें आपके जो आप 1 साल के अंदर 50,000 ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बता रखी थी। अब ये पर्सनल डिटेल में आपको बेसिक डिटेल भरनी है, क्या है आपका मोबाइल नंबर क्या है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा तो यहाँ से आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा कि आपने अभी तक कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं किया, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, तो मैंने पहले स्किप कर दिया था। तो आप जो भी जिस भी म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके आपको यह डिटेल भरनी पड़ेगी। डिटेल भरने के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, अभी तो ये देखिए मैंडेटरी फील्ड्स है तो ये आगे लेके जाएगा नहीं हमें,
तो फिर पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। पेमेंट डिटेल आप थ्रू जो है नेट बैंकिंग ही कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो नेट बैंकिंग की डिटेल हो जाएगी, उसके बाद आपके समरी दिखा देगा आपने कौन सा फ़ंड सेलेक्ट किया, कितनी अमाउंट आप उसमें, और कौन सा दिन आपका जो या तो आप लमसम इन्वेस्ट करेंगे या जो SIP, कौन सा जो पेमेंट मोड जो भी आप इन्वेस्टमेंट मोड चूज़ करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ऐसे आपके जो EKYC सक्सेसफुली हो जाएगी और आप अपना किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।